अस्सलामुअलैकुम। आज हम गज़वा खंदक की जगह पर मौजूद हैं। इस गज़वा के बारे में भी मुख्तसर तफसीर बताऊंगी। ये जगह मदीना में ही मौजूद है, मतलब मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी जंग भी मदीना में ही रहकर की थी। इस जंग को गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। वो इसलिए कि इस जंग में सिर्फ मुशरिकीन मक्का ही शामिल नहीं थे और बहुत से ग्रोह भी शामिल थे। मुशरिकीन मक्का मुसलसल फतह के बाद बहुत गुस्सा थे मुसलमानों पर। उन्होंने आसपास के और जितने भी इस्लामी दुश्मन थे उनको भी अपनी जंग में शामिल कर लिया था और मदीना पर हमलावर हुए थे। ये 7 गिरोह थे। इनके नाम थे बनु फुजारा, बनु सलीम, बनु कुरैश, बनु गुलफान, बनु अजजा, बनु असद और बनु कनाना। इन 7 गिरोह ने मिलकर मदीना पर हमला किया, लेकिन इस जंग में भी कुफार फतह ना पा सके, शिकस्त ही खाई। यह है मस्जिद फतह, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मुसलसल अल्लाह ताला से इस जंग के लिए दुआ की थी और वो दुआ कबूल हुई थी। दूसरी तरफ सबसे ऊपर वाली से शुरू करें तो वो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, और दूसरी जो नीचे की तरफ है वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, और जो सबसे आगे है वो है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से मस्जिद। जहाँ और जिस नाम से उन सहाबाओं की मस्जिद है उधर उनके खैमे हुआ करते थे, तो वहाँ मस्जिद तामीर कर दी गई है। इस गज़वा के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स इस तस्वीर के ज़रिए बताती हूँ। जैसा कि ये जंग मदीना में रहकर ही हुई थी, तो मदीना के चारों तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ हैं और एक साइड पे बनो करीज़ा है। इस बनो करीज़ा ने मुसलमानों से मुहिदा किया था कि वो इस साइड से इनको सपोर्ट देगा, इनको हिमायत देगा, लेकिन बाद में इस बनो कुरैज़ा ने गद्दारी कर दी थी, अपना मुहिदा तोड़ दिया था। ये यहूदी कबीला था। और दूसरी साइड पर मुसलमानों ने खंदक खोदी थी। इस खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया था कि हम फ़ारस में अगर कोई हमारे पास हमला कर रहा होता है तो हम इस तरह से खंदक खोद देते। तो सब सहाबाओं को ये मशवरा पसंद आया था और फिर खंदक खोदने का काम शुरू कर दिया था। इस खंदक की लंबाई और चौड़ाई जो बताई जाती है वो 1200 बाजू लंबाई और 9 बाजू चौड़ाई बताई जाती है। क्योंकि इस गज़वा में 7 कबीले शामिल थे जो मदीना पर हमला करने आ रहे थे, जिनमें बनु फरेज़ा, बनु सलीम, बनु कुरैश, बनु गुलफाम और इस तरह के कुछ और कबीले थे। इस जगह मुसलमानों की तादाद 3,000 और कुफार की तादाद 10,000 थी। तो इस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद फतह में बैठ के अल्लाह ताला से 3 दिन तक मुसलसल दुआ की थी। तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की थी और एक बहुत तेज़ हवा का तूफ़ान भेजा था, जिससे कुफार और जितने भी मुशरिकीन हमले आवर थे वो सब धर्म भरम हो गए थे। इस तरफ ही जबले अहद है, यहाँ पे कुफार ने अपने खैमे लगाए हुए थे और अपना क़याम किया हुआ था, और ये सब चीज़ें उड़ गई थी, सब चीज़ें इनकी तबाह हो गई थी, और मुसलमानों को इस जंग में बहुत अच्छी फतह नसीब हुई थी। और यहाँ एक तस्वीर है जिसमें खंदक खोदने का एक मंजर दिखाया हुआ है कि जिसमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खंदक खोद रहे हैं, लेकिन एक बीच में चट्टान आ गई है जो कि टूट नहीं रही थी। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि ये चट्टान हमें मुश्किल पैदा कर रही है, ये चट्टान टूट नहीं रही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस चट्टान पर 3 दफ़ा ज़रब लगाई अल्लाहु अकबर कहते हुए। पहली दफ़ा जब इस चट्टान पर ज़रब लगाई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शाम फतह होता दिख रहा है। फिर दूसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा, तो फरमाया कि मुझे फ़ारस फतह होता दिख रहा है। फिर जब तीसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते हुए इस चट्टान पर मारा, तो फरमाया मुझे यमन की चाबियाँ मिल गई हैं, यानी यमन के जो महलात हैं वो फतह होते दिख रहे हैं। यहाँ इस चट्टान पर यह हदीस है। ये थोड़ा सा क्लिप में दिखा रहे हैं कि दुश्मन जब बहुत तेज़ हवा चली तो किस तरह से बिखर गए थे, और दूसरी साइड बनु कुरैज़ा यहूदी थे जिन्होंने गद्दारी की थी, अपना मुहिदा तोड़ दिया था। यह है मस्जिद फतह या मस्जिद फतह के अंदर के मंजर। अंदर सब नमाज अदा कर रहे हैं और यहाँ पे भी बहुत से ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए। उम्मीद है कि अब तक की मेरी सारी वीडियोस मदीना ज़ियारत, मक्का ज़ियारत और ये छोटी छोटी सी तफसीलात पसंद आई होंगी आपको। बयान करने में कुछ गलती हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दें,
और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर करें ताकि सबको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।